धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, एक नए साल प्रभु आपने हमें प्रदान किया है। प्रभु आपकी असीम आशीष रही विगत एक साल में, और उसके साथ साथ एक साल और प्रभु हमारे जीवन के साथ तुमने जोड़ दिया है। धन्यवाद देते हुए, तेरे स्तुति गाते हुए इस नित्य आराधना, इस साल के प्रथम नित्य आराधना हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने नए साल में अपना नया कदम रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सभी इस नए साल के लिए मिलकर बोले हालेलुया। हालेलुया। सभी आशीषें जो हमें मिली है उसके लिए बोले हम हालेलुया। हालेलुया। हम अभी तक जीवित हैं, प्रभु ने हमें जीवितों की भूमि में सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बोले हालेलुया। हालेलुया। जो भी आने वाले दिन है, जो प्रभु हमारे साथ में रहने वाला है, उसके लिए भी हम बोले हालेलुया। हालेलुया। जो भी परिस्थितियां, जो भी सिचुएशंस हम आने वाले दिनों में फेस करने वाले हैं, उसके लिए भी हम बोले हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत पेत्रुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 इस प्रकार कहता है, सृष्टि का अंत निकट आ गया है, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें, जिससे आप प्रार्थना कर सके। जी हाँ विश्वासियों, हमारी प्रार्थना ना करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारी प्रार्थना सुनी ना जाना। हम बार बार प्रार्थना करते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है उसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, और शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा मन ही नहीं है प्रार्थना करने का। हम कई सारी चिंताओं में जकड़े रहते हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में आदम को परमेश्वर ने बगीचा दिया, उसने उसका क्या किया? उसी तरह उसने सुलेमान को भी बगीचा दिया, दाऊद राजा को भी बगीचा दिया,
और उन्होंने उसकी क्या हालत की। आजकल हम कई प्रकार के रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं। एक रेस्टोरेंट होता है जिसे हम कहते हैं गार्डन रेस्टोरेंट। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट रहता है जहां पर बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक लगा दिया जाता है, चेयर और टेबल आपके लिए रहती है, आप वहां बैठ सकते हैं और एक सॉफ्ट म्यूजिक के कारण आपको दिल में बहुत सुकून मिलता है। वहां का जो एम्बियंस रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप वहां घंटों तक बैठे रहें, और नीचे आप देखेंगे लॉन में छोटे छोटे घास लगे रहते हैं। और हम देखते हैं प्यारे विश्वासी, कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहां पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासें होती है, जहां पर जंगली घासें भी उग आती हैं। तो आप देखेंगे जहां पर पेड़ पौधे फूल बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट के रूप में है, जहां पर झाड़ू किया जाता, साफ सफाई रहती है, वो क्यों रहती है? क्योंकि उसे मेंटेन किया गया है। पेत्रुस कहता है कि आप लोग सचेत रहे। कहने का तात्पर्य है जहां पर भी हमारी दृष्टि लगातार रहेगी वहां पर हमें उसका असर देखने को मिलेगा। यही होता है प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, आज जब हम नए साल में हैं, हम यह प्रण ले कि प्रभु जिस तरह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, कैसी भी परेशानियां हो, कैसी भी दिक्कतें हो, हम भी प्रभु का हाथ पकड़े रहे, उसके साथ हम सहयोग करें। हम देखते हैं पुराने नियम में एक और जगह जहां पर इब्राहिम, जो कि इतना महान नबी रहता है, एक झूठ का सहारा लेता है। उसी तरह समसोन, जो कि ईश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था, जहां एक तरफ वह शूरवीर रहता, वहीं दूसरी तरफ वह एक व्यभिचारी बन जाता है। हम इस तरह की चीजें कई सारे लोगों के जीवन में देखते हैं, परंतु आप एक चीज ध्यान दीजिए, नए नियम में ये अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलता, चाहे वो पेत्रुस हो, चाहे वो पौलुस हो। वे गिरे जरूर थे, लेकिन एक बार जब वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाते हैं, तब उनके छूने मात्र से, उनकी परछाई से परमेश्वर की जो महिमा है लोगों में दिखाई देती है। विश्वासियों, यही होता है प्रार्थना का असर। इस विषय पर हम और भी मनन चिंतन करेंगे प्रेज एंड वर्शिप के दौरान। इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताली बजाते हुए, गीत गाते हुए, ऊंचे स्वर से उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस नए वर्ष के लिए हम प्रभु के सामने आज ये प्रण ले कि हम पूरे वर्ष प्रभु की तरह वफादार रहेंगे। अगर हम गिर भी जाते हैं, हम उससे माफ़ी मांगते हुए हम कहेंगे कि प्रभु तू हमारी सहायता कर कि हम तुझसे जुड़े रहे। ये जुड़े रहना तभी पॉसिबल है जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि 28 अध्याय है, लेकिन एक ऐसा भी अध्याय नहीं है जिसमें प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा है। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए, उस प्रार्थना आराधना में प्रभु की महिमा गाते हुए अपने आप को इस वक्त समर्पित करें। विश्वासियों, उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ प्रभु का हम स्वागत करें। जिस तरह से हमने नए साल का स्वागत किया है, उसी तरह से हम अपने दिलों में उसका स्वागत करें। ताली बजाते हुए आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। फिर से गाए, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हाथ को ऊपर उठाते हुए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो
अच्छा है, कितना भला है। ओ हो हो, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद देते हैं उस छुटकारे के लिए, छुटकारा पाए हमेशा, चंगाई के लिए जो हमें प्रार्थना के द्वारा पाए हमेशा। धन्यवाद यीशु। प्यारे विश्वासियों, जब हमसे पूछा जाता है कि यीशु हमारे लिए किस लिए संसार में आए, तो हमारा सिंपल सा जवाब क्या रहता है कि वह हमारा मुक्तिदाता है और उसने अपने प्राण हमारे लिए न्योछावर किया, उस क्रूस पर चढ़ा और उसने पुनरुत्थान के द्वारा हमें उद्धार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ये भी कहते हैं कि पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें उस विश्वास की पूर्णता तक पहुंचाई। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, ये कहना बहुत ही आसान है, परंतु क्या आप जानते हैं जब प्रभु इस संसार में आया तो उसने 30 वर्ष क्या किया? उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री को तैयार करने के लिए उन 30 वर्षों में क्या किया? मैं आपको आज बताती हूँ। वचन के आधार पर हमें वचन बताता है कि उसने 30 साल तक प्रार्थना में अपना समय बिताया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसे पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में, जो इस प्रकार कहता है, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, जब वे एकदम परफेक्ट होते हुए भी उन्होंने 30 साल प्रार्थना में गुजारे, तो प्यारे विश्वासियों, हम जो कि इतने इम्परफेक्ट हैं, तो हमें प्रार्थना की लगातार जरूरत रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन जिस तरह से कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, आज हम प्रार्थना की आत्मा के लिए मांगे। इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें और खुल के पूरे कंठ को हम पूरी ऊंची आवाज से बुलाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, हालेलुया, स्तुति, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। पाओ तुम उसे अभी, ताली बजाते हुए। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं।
स्तुति हो यीशु। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 इस प्रकार कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है सबसे पहला स्टेप जो है वो है मांगना, और फिर प्रभु का वचन कहता है कि उस पर विश्वास करो, और विश्वास करने के बाद हम यह भी विश्वास करें कि वह हमें मिल गया है, मिल चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज आपने जो कुछ भी प्रभु से मांगा है आप विश्वास करें वह आपको मिल चुका है। जी हाँ, सबसे पहली चीज जो हमें मांगनी है वो यही है कि प्रार्थना का आत्मा हम में हो। आइए इस वक्त हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए और उसे समझने के लिए भी प्रभु से विशेष कृपा मांगे, प्रभु की स्तुति करें मन ही मन। जब प्रभु का वचन हमारे अंदर आता है तो उसे हम समाहित कर सके और उसे अपने रोज की जिंदगी में उसे हम कार्यान्वित कर सके। क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 से 28 तक। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लवियों को यूहन्ना के पास ये पूछने के लिए भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने ये साक्ष्य दिया, उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उनसे पूछा, तो आप कौन हैं, क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। या आप वह नबी नहीं? उसने कहा, नहीं। तब उन्होंने उनसे पूछा, तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी यशायाह ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु के मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे उन्होंने यह उनसे पूछा, यदि आप ना तो मसीह है, ना एलियस और ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हो? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। ये सब यर्दन के उस पार बैथनिया में घटित हुआ जहां यूहन्ना बपतिस्मा दिया करते थे। मेरे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 1 से 18 तक, जिन्हें हम प्रलोग कहते हैं, उसके तुरंत बाद आता है 19 से लेकर, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा के पास में यरूशलेम के याजकों एवं नबियों द्वारा एक प्रकार से उनसे ये पूछने के लिए भेजा गया था कि यूहन्ना कौन है, वो कौन है। प्रभु एवं यूहन्ना बपतिस्मा में और उनकी स्वीकार्यता में, एक्सेप्टेंस में, विशेष रूप से याजकीय वर्ग के बीच में मतभेद था। याजकीय वर्ग में लवी वंशी आते हैं, शास्त्रीय आते हैं, सदूकी आते हैं, उनके बीच में एक प्रकार का मतभेद बना हुआ था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में अधिकतर लोग उन्हें नबी मानने लगे थे, एक प्रकार से याजकीय वर्ग से भी उन्हें नबी माना गया था, एक्सेप्टेंस मिल गया था। लेकिन प्रभु के बारे में हम इस ये बात नहीं कह सकते। सच बात यह है, याजकीय वर्ग से प्रभु को हमेशा तिरस्कार ही मिला है, रिजेक्शन। ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है आज के सुसमाचार के, और उस पर याजकीय वर्ग से लोग संदेश वाहकों को बेचकर यूहन्ना से ये पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या आप मसीह हैं, आने वाला एलियस जो है वो आप हैं,
क्योंकि उनका वेशभूष, पहनावा, खाना, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वह एक नबी प्रतीत होता था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से याजकों ने सोचा कि उनसे पूछा ही जाए कि क्या वही है जिसके विषय में लिखा गया है। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, एक व्यक्ति का वजूद का सवाल है यहाँ पर। और आगे इस वचनों पर आगे बढ़ने से हमें थोड़ा और चीजों को पता चलता है। योहन बपतिस्सा अगर चाहते ये बिल्कुल कह सकते थे कि मैं मसीह हूं, क्योंकि एक प्रकार के एक्सेप्टेंस उनके नाम के प्रति लोगों के बीच में उस समय बन चुका था। या अगर वे चाहते तो वो अपने आप को एलियस कह सकते थे, क्योंकि इस प्रकार का भी एक्सेप्टेंस वहां पर बन गया था। लेकिन सवाल टालते हुए योहन बपतिस्ता यही उत्तर देते हैं कि मैं ना मसीह हूं ना एलियस। अपने वजूद के बारे में, अपने एक्सिस्टेंस के बारे में, अपना कर्तव्य के बारे में 100% योहन बपतिस्ता जानकारी रखता था। उनका क्या कर्तव्य है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें क्या करना है, इन तमाम चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी योहन बपतिस्ता के पास में था। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। और वे आगे क्या कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे बीच में एक है जो मेरे बाद आने वाला है, जिनके जूते का फीता खोलना भी मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा कि योहन बपतिस्ता अच्छी तरह से जानता था उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या भूमिका है, उन्हें क्या करना है और उनका बुलाहट क्या है। उनका बुलाहट सिर्फ इतना था कि आने वाले का सच दे। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, ये आज के सुसमाचार में लिखित बात है। इससे जुड़े हमारे जीवन को भी मैं आप सबों के सामने साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में अपने वजूद खोजने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य है, इसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। दुनिया के अनेक दुखों का एक मुख्य कारण अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाना था। हम नहीं समझ पाते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। और इसलिए एक बड़ी गलती हम सभी कर बैठते हैं, तुलना करते हैं, मैं मेरा जीवन मेरे मित्र के साथ में, मेरे दोस्त के साथ में, मेरे भाई के साथ में, मेरे बहन के साथ में तुलना करने लगते हैं। तुलना करने से दुख अवश्य पैदा होता है। जब हमें ये बात समझने लगता है कि तुलना में मैं शायद छोटा हो गया हूं या और कोई मुझसे बड़े हो गए हैं, ये दुख का कारण बन जाता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दुनिया में करोड़ों की आबादी है, सबकी भूमिका, सबकी आइडेंटिटी, सबका कर्तव्य एक जैसा नहीं है। जितने लोग हैं उतनी आइडेंटिटी है, उतना जिम्मेदारियां हैं, उतना कर्तव्य है। हम तुलना करने से जीवन में हम दुख को मौका प्रदान करते हैं। प्रभु के वचनों को जब सुनते समय, मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ यही बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। योहन बपतिस्ता
अपने जीवन से पूर्ण तरीके से वह अपनी आइडेंटिटी समझ पाया था, कर्तव्य समझ पाए थे, जिम्मेदारी समझ पाया था, और उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को क्रियान्वित किया। प्यारे भाई और बहनों, आप भी मैं भी अपने जीवन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को उसी तरह से समझने की कोशिश करें, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने। मैं पुरोहित हूं, मेरी जिम्मेदारियां एक है, मेरा कर्तव्य एक है, मेरी आइडेंटिटी एक है। मेरी आइडेंटिटी दूसरों के समान शायद नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम सबको अपने अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं में पेश आना है। प्रभु हम सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपकर, अपना कर्तव्य सौंपकर, एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ में इस दुनिया में भेजे हैं। हम तुलना न कर बैठे एवं हमारे जीवन में दुख को मौका ना दे। अपनी अपनी आइडेंटिटी को समझकर उसी के अनुसार पूर्ण ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आमीन। प्रभु जी, साल का पहला नित्य आराधना में हम भाग ले रहे हैं प्रभु जी। आमीन। पूरे परिवार के साथ हम आपके पास आए हैं प्रभु। यस लॉर्ड। इस परम प्रसाद में आप उपस्थित हो। आमीन। और आप कभी बदलते नहीं हो। यस लॉर्ड। क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो। आमीन। इसीलिए प्रभु, स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए। यस लॉर्ड। बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, यह नया साल आपने हमें दिया है क्योंकि आप हमसे प्यार करते हो। आप चाहते हैं कि हम आपके पास आए। प्रभु जी, पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, संसार और उसके निवासी, सब प्रभु का है। स्तोत्र ग्रंथकार हमें सिखाता है प्रभु जी, इसीलिए एक मन होकर एक परिवार के साथ हम आपके पास आए हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं प्रभु जी, जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, हम उनसे इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपको नहीं मालूम प्रभु। यस लॉर्ड। हर प्रश्न का हल आप ही के पास है प्रभु। आमीन। इसलिए प्रभु जी, हम उन सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो निराश है, जो हताश है प्रभु। yes. जी, विशेष रूप से हम रवि के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। केवल 28 साल का है प्रभु जी, और एक तरह से उसका शरीर पूरा पैरालाइज्ड हो गया है। जीवन में कुछ आशा करने के लिए नहीं बचा है प्रभु जी, लेकिन वह बेटा आप पर विश्वास करता है प्रभु जी। आपने पैरालाइज लखवा पीड़ित लोगों को चंगाई दी है प्रभु जी। प्रभु जी, इस भाई के जीवन में भी आपकी आशीष हो। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं एलन के लिए, जो केवल 14 साल का बेटा है, और उन्हें एक रेयर बोन मैरो डिजीज है प्रभु जी। प्रभु जी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है ढंग से, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी,
हॉस्पिटल के बेड पर भी वह बच्चा आपका नाम लेता है। यीशु मुझे चंगा करेगा, यह उसका विश्वास है प्रभु जी। उस बच्चे के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ज्ञान मणि मिंच के लिए जो भी कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी। ओ प्रभु जी वैद्य ने कहा इसके लिए इलाज नहीं है, लेकिन सब कुछ हमारे ईश्वर के लिए संभव है, उसके डिक्शनरी में असंभव नहीं है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से रोजी रिबेलों के लिए प्रभु जी, जो बहुत एंग्जाइटी से परेशान है प्रभु जी। जीवन में प्रभु जी डगमगा जाते हैं प्रभु जी, डर घेर लेता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दयावंती एका के लिए जो चंगाई के लिए इंतजार में है प्रभु जी, आईसीयू में है प्रभु जी। ओ प्रभु जी इन सभी भाई और बहनों के लिए डॉक्टर्स ने कहा वे सब संभव करने वाले वैद्य के पास हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। विश्वास से प्रार्थना करें तो रोगी चंगा होता है प्रभु। ये आपका वचन है प्रभु, इस वचन में विश्वास करते हुए हम आपकी स्तुति करते लोगों के लिए सब कुछ असंभव था, आपने आपके दूतों को भेजा प्रभु जी। अरे प्रभु जी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिंह के सामने खड़े हुए डैनियल के लिए प्रभु जी आपने स्वर्ग दूत को भेजकर सिंह का मुंह बंद कर दिया था। पेत्रुस जो कारागृह में था प्रभु जी उसे छुड़ाने के लिए आपने एक स्वर्ग दूत को भेजा प्रभु जी। पेत्रुस भी यह विश्वास नहीं कर सका कि स्वर्ग दूत उसके सामने है प्रभु। पेत्रुस के लिए स्वर्ग दूत ने कारागृह के सभी दरवाजे खोल दिए, उसके सभी चेन्स को तोड़ दिए, सुरक्षित उसके साथ चलकर उसे बाहर लेकर आया। हाँ प्रभु जी यह साल भी हमारे लिए ऐसा ही होगा। हर प्रकार के चेन्स हमारे जीवन से टूट जाएंगे, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, आपका दूत हमारे आगे आगे चलेगा। यह विश्वास के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई जोसेफ के लिए जो किडनी के बीमारी से बहुत दिनों से पीड़ित है, आपके स्पर्श से प्रभु ने चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते सरिता के लिए जो ओडिशा से है प्रभु जी, जिन्हें पेट में बीमारी है प्रभु जी, बहुत दर्द होता है प्रभु जी। प्रभु जी आपके स्पर्श से आपके पवित्र लहू से उसे चंगाई दीजिए प्रभु जी। रंजीत दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको सुनाई कम दे रहा है, उनके कानों में बीमारी है प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, आपका शब्द एफाता उनके कानों में बोल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रूथ और एरोन के लिए प्रभु जी, उनके मन को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी, विश्वास से भर दीजिए प्रभु जी, आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। इस नए साल में हमसे जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके मन के सभी इंटेंशंस को, उन्होंने जितने भी रेजोल्यूशंस लिए हैं उन सभी रेजोल्यूशंस को हम समर्पित करते हैं। आपके पवित्र आत्मा उस पर उतर आए प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन परिवार के लिए प्रभु जी, यहाँ के सभी फादर सिस्टर्स, हमारे स्टाफ, हमारे मिनिस्टर्स, हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे बेनिफैक्टर्स के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपके पवित्र लहू से हमें ढक दीजिए, हर विपत्ति से हमें बचाइए, आपकी महिमा के लिए हमें एक सशक्त
वेपन बना दीजिए प्रभु जी, ताकि हम दुनिया के कोने कोने में आपके वचन का सुसमाचार प्रचार कर सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके आशीष के लिए सिर झुकाते हुए हमारे सभी योजनाओं को समर्पित करते हैं। घर बनाने की योजनाएं प्रभु जी, नए जॉब की योजनाएं, बच्चों के बारे में जो योजनाएं वो योजनाएं, ओ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति की योजनाओं को आपको समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पे हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पर तेरी आत्मा के द्वारा